बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टूटी फूटी शीरकुरमा। और टूटी फूटी शीरकुरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो मिक्स फ्रूट कॉकटेल टन लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर ली है रेड चेरीज़। टूटी फ्रूटी मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन और रेड दोनों कलर्स की। मेरे पास यहाँ पर टूटी फ्रूटी मौजूद है, एक अदद सेब है, एक कप जो है वो मैंने यहाँ पर सेवैयाँ ली हैं। साथ ही मैं यहाँ पे नट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर 6 से 8 जो है वो मैंने छुआरे लेके जिन लंबा लंबा काट लिया है। रफ्टी चॉप मैंने आलमंड्स लिए हैं, साथ ही काजू हैं, पिस्ते हैं और ब्लैक करंट्स लिए हैं। अच्छा, ये जो ड्राई नट्स और जो मेवा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 अदद इलायचियाँ ली हैं, जिन्हें मैं कूट कर इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे टूटी फ्रूटी एसेंस यूज़ करना था, बट वो मौजूद नहीं था, तो मैं यहाँ पर रसबेरी एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी एसेंस हो तो आप उसी का जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 किलो दूध को जो है वो पकने के लिए चढ़ा दिया था, और बस मुझे इसको इतना पकाना है कि 2 किलो से जो है वो 1.5 किलो रह जाए। तो यहाँ पर मैं जो है वो स्लो फ्लेम पे जो है वो इसको पका रही हूँ। अच्छा, जितनी देर में जो है वो हमारा जो हमने दूध रखा है ये रिड्यूस होगा, इतनी देर में हम जो है वो सेवैयों को भून लेते हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी शामिल किए हैं, और अब मैं इसके अंदर ये 1 कप सेवैयाँ डाल रही हूँ और इन्हें मैं भून लूँगी। ठीक है, बस अब हम जो है वो स्लो फ्लेम पे जो है वो इन सेवैयों को जो है वो भून लेंगे, और बहुत हमें डार्क ब्राउन कलर जो है वो नहीं करना है। बहुत अच्छी सी जो है वो फ्रेगरेंस आने लगेगी, और फिर हम जो है वो इसे दूध में शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो घी के शामिल किए हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ऐसा ना सोचें कि फ्रूट्स भी होंगे और फिर घी भी, तो इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सेवैयाँ जो है वो भुन चुकी हैं, और मैं इसे दूध में शामिल कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमने दूध भी पकने के लिए चढ़ाया हुआ था, तो बस मैं जो है वो अब इसके अंदर जो हमने सेवैयाँ भूनी हैं उन्हें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, सेवैयाँ डालने के बाद हम इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट जो है वो पकाएँगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। ठीक, और अब मैं इसे जो है वो 5 से 7 मिनट जो है वो दूध में पकाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं 3/4 कप जो है वो शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने शुगर शामिल कर रही हूँ। और साथ ही जो है वो मैं इसके अंदर ड्राई नट्स भी जो है वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, मैंने जो है वो 10-12 जो है वो बादामें ली थी, और इसी तरीके से मैंने पिस्ते और काजू लिए थे, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया था, और 7 से 8 जो है वो मैंने छुआरे लिए थे, जिन्हें मैंने जो है वो लंबाई में ही कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से मेवों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मेवे डालने के बाद भी हम इसको पकाएंगे, ताकि जो हमने ड्राई नट्स का इस्तेमाल किया उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट और अरोमा जो है वो शीरकुरमे में आ जाए, क्योंकि शीरकुरमे में जो हम ड्राई नट्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 जो इलायचियाँ ली थी उन्हें मैंने कूट लिया है, और वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दी है। अच्छा, शीरकुरमे को मुझे ज़्यादा थिक नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको जो है वो हल्का सा जो है वो गाढ़ा करूँगी, और इसके लिए मैं यहाँ पर कॉर्न फ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्न फ्लावर लिया है, और वो जो है वो मैं 3 टेबल स्पून पानी के अंदर डिज़ोल्व करके इसमें शामिल कर रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो शामिल कीजिएगा, और देख लीजिएगा कि आपको जो है वो कितना जो है वो थिक चाहिए। अच्छा, हम शीरकुरमे को ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने पे भी थिक होगा। हम कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम शीरकुरमा बना रहे हैं टूटी फ्रूटी, तो आपने जो है उसे कस्टर्ड की तरह थिक नहीं रखना है। तो बस ये थोड़ा सा थिक होगा, और साथ ही मैं जो है वो यहाँ पर जो है वो अब
थोड़ा सा पक जाए तो मैं इसके अंदर जो है वो टूटी फूटी एसेंस भी जो है वो शामिल कर दूँगी। अच्छा, मेरे पास जैसे मैंने बताया था टूटी फूटी एसेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर रसबेरी एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है वो रसबेरी एसेंस शामिल कर दिया है, इसे बस मैं थोड़ा सा और पकाऊँगी और मैं फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा करूँगी और फिर इसके अंदर जो है वो हम फ्रूट शामिल करेंगे। जी, तो हमारा शीर खुरमा जो है वो ठंडा हो चुका है और मैं अब इसके अंदर जो है वो फ्रूट शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक एप्पल जो स्मॉल साइज़ के लिए तो उसे कट कर लिया था, साथ ही मैंने 4 से 5 जो है वो रेड चेरीज़ हैं जिन्हें मैंने हाफ कट कर लिया है, वो भी मैं जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और ये रेड और ग्रीन जो है वो टूटी फ्रूटीज़ हैं जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने जो फ्रूट कॉकटेल का टिन यूज़ किया है उसका जो है वो जो इसके अंदर सिरप होता है, जूस होता है, वो जो है वो आप अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे और फिर जो है वो शामिल करेंगे। जो सिरप होता है वो इसमें नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं मिक्स फ्रूट कॉकटेल का टिन जो है वो शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस मैं इसे मिक्स कर लूँगी और अब हम जो है वो इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जी, तो मैंने इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है और बस अब मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्तों को जो है वो हल्का सा कूट लिया था और उसे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। साथ ही मैं रेड चेरीज़ और टूटी फ्रूटीज़ का इस्तेमाल करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।